बच्चों, हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, लिटमस क्या होता है. लिटमस क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो आप उससे क्या कर सकते हो? लिटमस से आप पता कर सकते हो कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है. लिटमस एक इंडिकेटर है, तो उस इंडिकेटर से, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे आप पता कर सकते हो कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो अभी तक हमने सॉल्ट्स पे तो हम लोग आए नहीं है, अभी तक हम एसिड और बेस की ही बातें कर रहे हैं और आज भी हम वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, सॉल्ट सबसे आखिर में आएगा. ठीक है, तो मतलब थोड़ी देर में आएगा, फिलहाल नहीं आएगा सॉल्ट. फिलहाल हम एसिड और बेस पे ही हैं और हमने कल डिस्कस किया था कि लिटमस एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस. ठीक है, सो यहाँ ये समझाने के लिए एक एक्टिविटी 5.1 की गई है. पेज 51 पे एक्टिविटी 5.1 है जिसमें आपको लेमन जूस में थोड़ा सा पानी डालना है. क्या करना है एक्टिविटी 5.1 में? एक्टिविटी 5.1 है आपके पेज 51 पे. ठीक है, सो आपको क्या करना है इसमें? इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना है लेमन जूस में. ठीक है, लेमन जूस मतलब नींबू का रस. ठीक है, आप नींबू के रस में थोड़ा सा पानी डालो और उसको एक प्लास्टिक कप, टम्बलर, टम्बलर का मतलब कांच का ग्लास, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज में रखो. पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर. अब आप क्या करो, आप ये सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर पे डालो ड्रॉपर की मदद से. फिर से देखो, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लो, पेपर, रेड लिटमस पेपर. ठीक है, जैसे कि ये रेड लिटमस पेपर है. ठीक है, ये है रेड लिटमस पेपर. ठीक है, तो ये रेड रेड कलर का लिटमस पेपर लो. ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर लो और एक ग्लास में नींबू, नींबू का रस और पानी मिला दो. ठीक है, अब इस ग्लास में से एक ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर क्या होता है, जो छोटे बच्चों को दवाई पिलाने में काम आता है, अगर आपके घर में या आपने पड़ोस में या आपके मामी, काका, चाचा, किसी के भी मामा, किसी के भी घर में बच्चा देखा होगा तो वो ड्रॉपर से ऐसे बूंद बूंद डालते हैं बच्चों के. तो आप इस ड्रॉपर से ऐसे बूंद लो लेमन जूस की और इस लिटमस पेपर पे वो बूंद डालो, टक, ये इसका ऐसे भरो ड्रॉपर और इस पे ये बूंद यहाँ लिटमस पेपर पे डालो ये ड्रॉपर से. ठीक है, तो अब क्या होगा इसका? तो देखो, अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपने जब ड्रॉप डाला स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर पे ड्रॉपर की मदद से, क्या कुछ चेंज हुआ कलर में? और कह रहा है, और यही काम अब आप ब्लू लिटमस पेपर से करो. यही काम किससे करो? ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस है, अब ब्लू ब्लू लिटमस पेपर लो. ठीक है, यही काम ब्लू लिटमस पेपर में करो. ठीक है, तो ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, सो ब्लू लिटमस पेपर है, यहाँ आप ड्रॉप डालोगे. ठीक है, सो ब्लू लिटमस पेपर से आप यहाँ जब ड्रॉप डालते हो, तो देखो, जब आप रेड लिटमस पेपर पे रेड ड्रॉप, जब आप रेड लिटमस पेपर पे ये लेमन वाटर की ड्रॉप डालते हो, तो क्या होगा? रेड लिटमस पेपर कुछ भी नहीं बदलेगा, नो चेंज, नहीं बदलेगा, नो चेंज. ठीक है, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे ये नींबू पानी की ड्रॉप डालोगे, नींबू पानी की ड्रॉप अगर ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो किस में बदल जाएगा? रेड में. तो आपने क्या पढ़ा था कल कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में टर्न हो जाता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में टर्न हो जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाता है, एसिड कहलाता है. मतलब ये क्या है? ये एक एसिड है, लेमन वाटर क्या है? एसिड.
ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा. सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है एक्टिविटी 5.1 का. ठीक है, तो आप ये लिखना जरूर, आपको पता लगना चाहिए ये एक्टिविटी 5.1 का ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, कि जब रेड लिटमस पेपर में डाला ये लेमन वाटर तो नो चेंज, और जब ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो रेड हो गया. ठीक है, तो इसलिए, और ये आपने पढ़ा भी है, कल मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो लेमन्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है. अगर आप देखो पेज नंबर 50 पे लिखा भी हुआ है, पेज नंबर 50 पे थर्ड नंबर, कि सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज लेमन ये सब एसिड्स होते हैं, और स्पेसिफिकली ये सिट्रिक एसिड है. एसिड का भी नाम सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक एसिड खटास वाले एसिड्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, और अभी कह रहा है परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. अब यही एक्टिविटी अलग अलग चीजों के साथ करो, मतलब फिर आपने लिखा परफॉर्म द एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक. एरेटेड ड्रिंक मतलब वही पेप्सी, कोका कोला, ये सब. ठीक है, सोप सॉल्यूशंस, शैम्पूस, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टिल वाटर. ठीक है, तो इन सब पे ये आप काम करो. ठीक है, तो आप बताओ कि क्या होता है. तो देखो इसमें से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन है. ठीक है, डिटर्जेंट है, सपोज ये कह रहा है ना, इन सारे सब्सटेंसेस पे भी ये टेस्ट करो. तो एक और सब्सटेंस पे मैं ये टेस्ट करती हूँ, सपोज शैम्पू. देखो इन्होंने इतनी सारी लिस्ट दी है ना, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर. इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, इसमें से मैं एक शैम्पू लेती हूँ. ठीक है, सो सपोज मैं शैम्पू के साथ यही एक्सपेरिमेंट करती हूँ. ठीक है, सो मैं फिर से एक ग्लास लेती हूँ और इसमें डालती हूँ शैम्पू की बूंदे. ठीक है, शैम्पू डालती हूँ, लिक्विड में होता है शैम्पू, और मैं थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ इसमें. ठीक है, पानी मिला देती हूँ. ठीक है, अच्छा, अब क्या करूंगी, फिर से रेड और ब्लू लिटमस लूंगी. ठीक है, रेड लिटमस लूंगी और ब्लू लिटमस. सो मैंने फिर रेड लिटमस लिया, ठीक है, और मैंने लिया ब्लू लिटमस. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ड्रॉपर से, ठीक है, ड्रॉपर की मदद से, ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर लिया, फिर से इसकी मदद से मैंने ये बूंदे बूंदे ली, फिर मैंने एक दो बूंदे इस पे डाली, ड्रॉपर की मदद से एक दो बूंदे इस पे डाली, और ड्रॉपर की मदद से एक दो बूंदे इस पे भी डाली. ठीक है, तो बता अब क्या हुआ होगा. सो जब मैंने ये ड्रॉपर से मैंने ये बूंदे डाली, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में. ठीक है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ये ब्लू हो गया, ये पेपर, ये इतना भाग क्या हो गया, ब्लू, जिस पे बूंदे गिरी वो ब्लू हो गया. इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये शैम्पू क्या है, बेस है, बेस, इसे हम बेसिक भी कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बेस. तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है. ठीक है, शैम्पू क्या है, बेस. ठीक है, अगर यहाँ पे ये ब्लू, अब ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस में नो चेंज. ठीक है, सो रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा और ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, सो इस तरह से आप इंडिकेटर्स,
स्पेशली लिटमस पेपर्स की मदद से पता कर सकते हो। अब देखो आप कहोगे मैम लेमन वाटर तो कल पढ़ाया तो था, एसिड है, पढ़ाया था ना आपने, बट बेटा अगर मैं ना पढ़ाऊं, ठीक है, अगर आपको पता नहीं, ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि भाई आप एसिड बेस को कोई टेस्ट नहीं कर सकता, आप टेस्ट करोगे तो हानिकारक हो सकता है, कभी कोई आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, तो टेस्ट नहीं करना चाहिए, आपने पढ़ा। अब किसी ने आपको ऐसे ही ग्लास में भर के दे दिया नींबू के साथ पानी, ठीक है, थोड़ा सा नींबू पानी, अब आपको पता नहीं है वो नींबू और पानी है, ठीक है, आप पता नहीं आपको कुछ खराब भी हो सकता है, ठीक है, तो आप टेस्ट तो नहीं करोगे, कहते ना अजनबी कोई दे तो नहीं टेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लिटमस टेस्ट कर सकते हो। लिटमस टेस्ट में रेड और ब्लू लिटमस दोनों यूज करने के, एक बूंद रेड पे डालने की, एक बूंद ब्लू पे डालने की, ठीक है। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए मतलब वो बेस है, अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए मतलब वो एसिड है, ठीक है। और रेड लिटमस, अगर रेड लिटमस पे आप बूंद डाल रहे हो किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब वो एसिड है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और इजी टेस्ट है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, आप नेचुरली एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हो कि भाई एसिड है कि बेस है, ठीक है। सो व्हाई आर इंडिकेटर्स यूज, इंडिकेटर्स क्यों यूज होते हैं, इंडिकेटर्स यूज होते हैं पता करने के लिए कि सॉल्यूशन है एसिड या बेस, ठीक है। सो जस्ट दिस इज द ओनली पॉइंट जो आपको याद रखनी है। अच्छा अब देखो आपने, अब देखो कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना वो एसिड होते हैं ना वो बेस होते हैं, मतलब ना उनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो सौर भी नहीं होते, खट्टे भी नहीं होते हैं, ना उनमें बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ना वो कड़वे होते हैं, दे आर नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, ठीक है, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वो क्या होते हैं, सो दे आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, वो न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिड होते हैं ना बेस, एग्जाम्पल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट में सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और हमें सॉल्ट पढ़ना है तीसरा टॉपिक, ठीक है। सो सॉल्ट बेसिकली आया कहां से, सॉल्ट आया न्यूट्रल सॉल्यूशन से, और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ना एसिडिक होना ना बेसिक होना, उस जो वो सब्सटेंस है ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टी है और ना ही बेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो अभी हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। सो आप ये लिखना, आप ये जरूर लिखना, आपको ये आइडिया आएगा, ठीक है। इसको आप क्या हेडिंग डालोगे, इसको हेडिंग डालोगे टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक, लिटमस टेस्ट, ठीक है, लिटमस टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होता है, वो सॉल्यूशंस जो कि अपना कलर ना बदले, सो अभी न्यूट्रल सॉल्यूशंस, सो न्यूट्रल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशंस चाहे आप एसिड पे डालो चाहे आप बेस पे डालो वो अपना कलर नहीं बदलेंगे, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज लिटमस, सॉरी, आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस, न्यूट्रल मतलब ना उनमें एसिड की क्वालिटी होती है ना उनमें बेस की क्वालिटी होती है, ठीक है। क्वालिटी द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। सो दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक,
ना ये एसिडिक क्वालिटी होती है इनमें ना बेसिक. सो दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ठीक है, ना इनमें एसिडिक क्वालिटी होती है ना इनमें होती है बेसिक क्वालिटी. ठीक है, सो एक आपको एक ब्लू बॉक्स में इन्होंने पेज 51 पे टू प्रिपेयर लाइम वाटर डिजोल्व सम लाइम इन वाटर इन अ बॉटल स्टर द सॉल्यूशन कीप इट फॉर सम टाइम पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप दिस इज लाइम वाटर. अब देखो कईयों को लाइम वाटर और लेमन वाटर में कंफ्यूजन होता है. ठीक है, कईयों को लाइम वाटर और लेमन वाटर में कंफ्यूजन होता है. लेमन वाटर क्या है, लेमन जूस को जब आप पानी में डालते हो वो होता है लेमन वाटर. अब कई लोग लाइम वाटर को भी वही समझते हैं, तो वो लोग होते हैं गलत. ठीक है, लाइम वाटर और लेमन वाटर आर नॉट सेम. लाइम वाटर क्या होता है, सो लाइम वाटर क्या होता है, सो हाउ इज लाइम वाटर प्रिपेयर्ड, लाइम वाटर कैसे बनता है. सो लाइम वाटर कैसे बनता है, डिजोल्व सम लाइम इन वाटर इन अ बॉटल. डिजोल्व सम लाइम, लाइम का मतलब चूना. चूना कहाँ लगता है, दीवारों पे. ठीक है, लाइम तो खाने की चीज भी नहीं है, वो तो चूना है. ठीक है, तो जो लोग लाइम वाटर को पीने की चीज समझते हैं उनपे मेरे को हंसी आ रही है, क्योंकि लाइम वाटर है चूना जो घरों पे लगाते हैं. ठीक है, सो डिजोल्व सम लाइम इन वाटर इन अ बॉटल. ठीक है, सो डिजोल्व सम लाइम चूना इन वॉटर. ठीक है, एक बॉटल में आप चूना मिला दो पानी में, फिर स्टर द सॉल्यूशन कीप इट फॉर सम टाइम और उसको ऐसे हिलाओ. ठीक है, जोर जोर से शेक करो उस बॉटल को. क्या करो, पानी भरो एक बॉटल में, उसमें चूना डालो और फिर उसको शेक करो. ठीक है, शेक करके कुछ टाइम छोड़ दो उसको, काफी देर तक छोड़ दो ऐसे ही बॉटल छोड़ दो. ठीक है, फिर जब आप थोड़े टाइम के बाद वो बोतल ऐसे उल्टी करोगे ना, मतलब किसी किसी ग्लास में या किसी में उल्टा करना, तो ये एकदम चूना व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे गिरेगा, एकदम धुआं धुआं. ठीक है, वही आपके घरों में लगता है. ठीक है, चूना पहले आप व्हाइट वॉश कराते थे, लोग चूने लगवाते थे. ठीक है, घरों के बाहर तो चूने ही लगे होते हैं व्हाइट कलर के, आप देखते हो ये होता है. ठीक है, लाइम वाटर लगा हुआ होता है. सो डिजोल्व सम लाइम वाटर इन अ बॉटल, स्टर द सॉल्यूशन को स्टर करो. Stir the solution and keep it for some time. थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. Pour a little from the top. अब धीरे धीरे उसको उढ़ेलो. Pour a little from the top. ठीक है, सो ये आपका लाइम वाटर बना. सो लाइम वाटर इज रेडी. ठीक है, सो लाइम वाटर तैयार हो गया. ठीक है, सो अब इसके लिए भी जैसे कि हमने पढ़ा कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, वैसे ही टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, टर्मरिक का मतलब हल्दी. ठीक है, हल्दी पाउडर जो आपकी मम्मी किचन में यूज करती है. तो आपने लिटमस में देखा कैसे रेड और ब्लू लिटमस पेपर कलर बदलते हैं, तो एसिड और बेस का पता लगता है. अगर रेड लिटमस पेपर कलर बदलता है तो वो बेस है, अगर नहीं बदलता है तो वो एसिड है. ब्लू लिटमस पेपर कलर बदलता है तो वो एसिड है, नहीं बदलता है तो वो बेस है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिटमस पेपर विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर मतलब वो नेचुरली मिलता है हमें लिचन्स जो फ्लावर्स होते हैं वहां, लिचन्स प्लांट से मिलता है, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एसिड और बेस के बीच को
बेस को इंडिकेट करने का, पता करने का. सो देयर इज वन मोर नेम जो मैंने लिखवाया था आपको इंडिकेटर्स में, द नेम वॉज टर्मरिक. ठीक है, सो टर्मरिक मीन्स हल्दी. सो दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, आपके किचन में भी अवेलेबल है. सो अब हम हल्दी टर्मरिक के लिए थोड़ी सी हम टेस्ट करेंगे. बच्चों अभी हमने लाइम वाटर डिस्कस किया. सो लाइम वाटर यहाँ इन्होंने चूना बोला हुआ है, पर आप में से कई लोग बिल्कुल सोच में पड़ गए होंगे कि लाइम तो खाने की भी चीज होती है. आप छोटे थे तो लाइम को आप फ्रूट में भी पढ़ते थे कि भाई खट्टा खट्टा लाइम होता है. तो आप सही हो बिल्कुल, वो खाने का पीने का भी लाइम होता है, लाइम वाटर पीने का भी अलग होता है. पर जो आपकी बुक में इन्होंने पेज नंबर 51 पे ये ब्लू बॉक्स में लिखा है, सो वो है खाने, वो खाने पीने वाला लाइम नहीं है, वो लगाने वाला लाइम है, लाइम वाटर है, चूना है वो. ठीक है, जो दीवारों पे लगता है. और जो आपको लाइम पता है, जो फ्रूट में आप छोटे थे पढ़ते थे, शायद कभी आपने फ्रूट्स में लाइम भी पढ़ा हो या लाइम वाटर देखा हो जूसेस में, तो हाँ वो एकदम लेमन की तरह ही होता है. ठीक है, सो खाने पीने वाला भी लाइम वाटर है और लगाने वाला भी लाइम वाटर है, पर यहाँ आपकी बुक में लाइम वाटर वो वाला बोल रहे हैं. ठीक है, कौन सा? चूना लगाने वाला, और वो होता है बेसिक बेस. ठीक है, सो अगर आपके मन में वैसा लाइम आया है तो भी सही है, पर आपकी बुक में चूना है वो. ठीक है, लाइम वाटर का मतलब चूना साइंस में. अच्छा, अब मैंने आपसे बात की कि टर्मरिक, तो टर्मरिक कैसे नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है. सो पहले टर्मरिक, तो अगर टर्मरिक है सो टर्मरिक भी एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक से भी आप टेस्ट करके पता कर सकते हो कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक. कैसे पता करोगे, मैं आपको बताती हूँ. आप अपने किचन में जाओ, हल्दी लो. ठीक है, हल्दी लो और फिर उस हल्दी में थोड़ा सा पानी डालो और पेस्ट बना लो. ठीक है, टर्मरिक में पानी डाल के पेस्ट बना लो आप. ठीक है, और फिर वो पेस्ट, पानी वाला पेस्ट, एक पेपर. ठीक है, अच्छा पेपर कौन सा लेना है आपको, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर. ठीक है, सो एक ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर टाइप लो, मतलब रेगुलर पेपर नहीं. ठीक है, सो एक ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर लो, उस पे वो हल्दी पूरी आप चौपड़ लो, मतलब पूरी आप उस पे हल्दी हल्दी कर दो, क्योंकि वो पानी में मिली हुई है तो पूरे में स्प्रेड कर दो. ठीक है, अब सूखने के लिए छोड़ दो. ठीक है, अब आप क्या करो, छोटे छोटे उसके टुकड़े टुकड़े काट दो हल्दी, वो जो आपने पेपर पे हल्दी चोटाड़ी ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट दो. तो ये आपने क्या तैयार कर लिया, ये आपने टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स तैयार कर ली. जैसे लिटमस पेपर तैयार हुआ था ना, वैसे लिटमस पेपर तो रेडी मिलता है मार्केट्स में, पर ये आपने टर्मरिक की स्ट्रिप्स तैयार कर दी. ठीक है, टर्मरिक पेपर बना दिया, टर्मरिक हल्दी से हल्दी का पेपर बना दिया. अब आप टेस्ट का, इसमें कैसे टेस्ट होता है, तो अगर देखो हल्दी कौन से कलर की होती है, येलो. ठीक है, अगर येलो हल्दी येलो कलर की होती है, अगर इसके आप है ना, इसके ऊपर एक बेसिक सॉल्यूशन डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन, तो येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड. ठीक है, येलो कलर किसमें, येलो टर्न्स टू रेड, येलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या है, बेसिक. अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, कभी आपकी शर्ट पे या आपके कॉलर पे, शर्ट पे या कपड़ों पे अगर येलो कलर, हल्दी का येलो कलर लग जाता है. ठीक है, आपके शर्ट पे येलो कलर हल्दी का लग गया और आपकी मम्मी ने घस घस के धोया, पर सरप्राइज येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के मम्मी ने किससे धोया, सोप से, डिटर्जेंट से धोया आपका शर्ट, और सोप डिटर्जेंट क्या होता है, वो होता है बेस. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, अगर सॉल्यूशन बेसिक हो तो क्या हो जाता है, येलो कलर
रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये इसमें आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ये जो आपने हल्दी की स्ट्रिप्स बनाई, ठीक है, सपोज ये हल्दी की येलो कलर की स्ट्रिप है, ठीक है, मेरे पास येलो कलर प्रेजेंट नहीं है, मैं रेड ग्रीन और ब्लू कलर और ब्लैक कलर रखती हूँ, येलो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब येलो ये वाला है, ठीक है, ये है, पर मैं बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करूंगी, ये फिर मिटता नहीं है। ठीक है, हल्का ही लगाती हूँ मैं, ये देखो ये मेरा रेड कलर हल्दी का, ठीक है, येलो कलर, ठीक है, सो ये मेरा येलो कलर है, ठीक है, सो ये मेरा येलो कलर हल्दी का। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस पे एक बूंद, अब मैं इस पे सोप की बूंद डाल रही हूँ, सोप की झाग बना के उसकी बूंद डाल रही हूँ, ठीक है, सोप डाल रही हूँ, ये सोप की, सोप का टपका डाला, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है, इतना हिस्सा मैंने इतने हिस्से पे डाला तो इतना हिस्सा क्या हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सोप क्या होता है, बेसिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो येलो कलर टर्मरिक का रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप टर्मरिक से भी, आप टर्मरिक की मदद से भी एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। अच्छा, पीछे पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 पे आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, आप वो घरों पे कर सकते हो, अगर आप करते हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, मैं उसको जरूर शेयर करूंगी आगे ग्रुप्स में। ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी, यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, आप अपने मम्मा के लिए बर्थडे कार्ड बना सकते हो ये एक्टिविटी करके, या पापा के लिए भी। सो व्हाट इज द एक्टिविटी, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर, एक प्लेन व्हाइट पेपर लो, एकदम प्लेन व्हाइट पेपर लो, और उसपे किचन में जाओ, टर्मरिक हल्दी लो और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके पेस्ट बनाओ, और उस व्हाइट पेपर पे वो पूरा टर्मरिक पाउडर चोपड़ दो, स्प्रेड कर दो, ठीक है, स्प्रेड करने के बाद उसको पंखे के नीचे सुखा दो, ड्राई इट। अब आप उस पे, अब आप क्या करो, अब आप साबुन लेके आओ, बाथरूम से जाके साबुन ले आओ और उसकी झाग बनाओ, ठीक है, उसकी झाग बनाओ, और फिर आप लो ईयरबड्स, कॉटन, कॉटन के जो बर्ड्स नहीं आते जिनसे कान साफ करते हैं, ईयरबड्स, उस कॉटन बर्ड्स को डुबो, सोप सॉल्यूशन में डुबो, और आपको जो लिखना है अपनी मम्मी के लिए उस पेपर के ऊपर लिखो, आप ऑटोमेटिक देखोगे रेड लिखेगा, ठीक है, क्योंकि टर्मरिक जो अगर बेस होता है वो येलो को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको कोई ड्राइंग, फ्लावर या कुछ भी बनाना है, आप फ्लावर बना सकते हो, तो रेड कलर का फ्लावर बन जाएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से ब्यूटीफुल कार्ड बना सकते हो। देखो यहाँ बनाया भी हुआ है, पेज नंबर 52 पे, ये पेज नंबर 52 पे इन्होंने ये कार्ड बनाया हुआ है, ये येलो और टर्मरिक सॉल्यूशन लिया है और ईयरबड पे यहाँ फ्लावर बनाया है, ठीक है। Similarly, test the solutions listed in table 5.3 and note down your observation. You may try solution of other substances. So, ऐसे आप turmeric solution का बाकी substances पे भी effect देख सकते हो कि turmeric बाकी solutions के साथ क्या करती है, ठीक है भाई, अगर इन पे आप turmeric, मतलब अगर turmeric डालेंगे तो बाकी solutions क्या क्या होगा, ठीक है। So अगर सॉल्यूशन बेस होगा तो रेड में कन्वर्ट होगा, अगर सॉल्यूशन एसिड होगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो अगर टर्मरिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एसिड होगा, ठीक है, अगर सॉल्यूशन एसिड होगा, सॉल्यूशन मतलब जो आपने डाला, ठीक है, सो सॉल्यूशन इज बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक कब होगा, जब येलो टर्न्स रेड, और सॉल्यूशन एसिड कब होगा, जब येलो टर्न्स ब्लू, येलो जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तब सॉल्यूशन होगा एसिड, ठीक है। तो नीचे टेबल में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो आपको टेबल 5.3 पूरी करनी है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। पेज 52 पे आप उठाओ अपनी पेंसिल और कंप्लीट करो ये टेबल, मैं बोर्ड पे करती हूँ, ठीक है। पेज 52,
पेज 52 पे टेबल 5.3। ये क्या आय की टेबल है, मतलब ये जो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं इन सब्सटेंसेस पे आप, इन सब्सटेंसेस टर्मरिक पेपर, ये येलो हल्दी वाला पेपर है, इस पे आप ये सब्सटेंस की थोड़ी थोड़ी बूंदे डालो, और अगर कलर जैसे चेंज होता है, अगर कलर ब्लू में चेंज होता है तो वो एसिड है, और कलर अगर रेड में चेंज होता है तो वो बेस है। ठीक है, सो सबसे पहले लेमन जूस। ठीक है, टेबल कैसे है, सीनियर नंबर, फिर है टेस्ट सॉल्यूशन, फिर है इफेक्ट ऑन टर्मरिक, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, फिर रिमार्क्स। इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, लेमन जूस। ठीक है, सो लेमन जूस है, सो जब आप लेमन जूस डालोगे तो टर्मरिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्मरिक सॉल्यूशन येलो से ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। ठीक है, फिर जब आप ऑरेंज जूस डालोगे, सो जब आप ऑरेंज जूस डालोगे तो भी टर्मरिक सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन है एसिडिक। थर्ड विनेगर, विनेगर डालोगे तब भी ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक। फोर्थ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालोगे, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था, कभी पेट वेट गड़बड़ हो तो ये पिया जाता है, इससे पेट साफ हो जाता है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आप इस टर्मरिक के ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बूंद डालोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा रेड में, इसका मतलब ये है बेस, बेसिक। फिर लाइम वाटर, ठीक है, सो लाइम वाटर यहाँ, अच्छा इसके बाद है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, ठीक है, जो आप ढोकला वगैरह में डालते हो, तो बेकिंग सोडा है, सो जब आप बेकिंग सोडा पे डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका मतलब सॉल्यूशन है बेस, या बेसिक भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ एसिडिक, 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 यहाँ बेसिक, बेसिक। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ नंबर लाइम वाटर, ठीक है, वो चूना, सो चूना क्या है, चूना हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, यहाँ मैंने आपको बोला ना, आपकी बुक में चूना बोला हुआ है, आपकी बुक में जूस की तरह नहीं, ये चूने की तरह बताया गया, तो रेड, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसी। ठीक है, फिर सेवंथ है शुगर, शुगर पे क्या इफेक्ट होगा, शुगर ना रेड में कन्वर्ट करेगी ना ब्लू में कन्वर्ट करेगी, कुछ चेंज ही नहीं करेगी। ठीक है, सो शुगर ना रेड में कन्वर्ट करेगी ना ब्लू में, तो कुछ भी नहीं करेगी, नो चेंज ना रेड में ना ब्लू में, तो कभी जो चेंज नहीं करेगी, ना एसिड है ना बेस है, तो क्या हुआ, न्यूट्रल। अभी अभी हमने न्यूट्रल की डेफिनेशन पढ़ी कि ना एसिड में बदले ना बेस में बदले, वो कौन, न्यूट्रल। ठीक है, लास्ट कॉमन सॉल्ट, चीनी, कॉमन सॉल्ट नमक। ठीक है, सो कॉमन सॉल्ट, सो कॉमन सॉल्ट में भी अगर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, कॉमन सॉल्ट में भी नो चेंज है, इसका मतलब वो भी क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, ना एसिड है ना बेस है, सो दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसके बाद आप इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो एक्टिविटी, अभी चाइना रोज, अभी आपने देखो सबसे पहले हमने लेक्चर चालू किया, आपने देखा कि लिटमस पेपर को एज एन इंडिकेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि हम लोग टर्मरिक को, टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं कि चाइना रोज, चाइना रोज मतलब हिबिस्कस, ये फ्लावर गणपति जी को बहुत पसंद है, गणपति जी पे ये हिबिस्कस चढ़ाया जाता है, सो इस फ्लावर से हम लिटमस टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है, आपकी बुक में पेज 52 पे ये ड्रॉ भी किया हुआ है, बना भी हुआ है। ठीक है,
ठीक है। तो चाइना रोज जो कि हिबिस्कस भी कहलाता है और आपके बुक में ये बना भी हुआ है अगर आपने सुना नहीं हो ये, ठीक है। सो इसे गुडल, ब्रैकेट में गुडल लिखा हुआ है, गुडल भी कहा जाता है। सो चाइना रोज या गुडल पेटल्स, उसके पंखुड़ियां लो, ठीक है, और उन्हें इन पंखुड़ियों को मतलब चाइना रोज को इंडिकेटर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, चाइना रोज एज इंडिकेटर, इसकी पंखुड़ियों को आप एक बीकर में लो, ठीक है, चाइना रोज की पंखुड़ियों को एक बीकर में लो और इसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालो, ठीक है, बीकर मतलब इस तरह से कोई बीकर लो और इसमें चाइना रोज की पंखुड़ियां, ये पंखुड़ियां हैं, इसमें ये पंखुड़ियां डालो, ठीक है। तो ये पंखुड़ियां डाली आपने, अब इसमें इस बीकर में थोड़ा सा गर्म पानी डालो, वार्म वाटर, ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी डालो, ठीक है, वार्म वाटर डाला आपने, गर्म पानी डाला। सो कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, मिक्सचर को थोड़े समय के लिए रख दो जब तक पंखुड़ियां अपना कलर उस गर्म पानी में ना छोड़ दें, मतलब सॉल्यूशन कलरफुल ना हो जाए, पंखुड़ी अपना कलर छोड़ देंगी ना गर्म पानी में, तो जब तक वो अपना पानी में कलर नहीं छोड़ती तब तक उसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस। अब इसको आप एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हो, अब ये इंडिकेटर की तरह यूज होने के लिए तैयार है हमारा चाइना रोज इंडिकेटर। अब आपको जिसमें भी टेस्ट करनी है, जैसे भाई आपको टेस्ट करनी है सपोज आपको सोप में टेस्ट करनी है, ठीक है, सो उसमें आपको ये 5 बूंदे डालनी है इसकी, ठीक है, सो फिर आप चेक करो कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्या होगा, सो जो ये एसिड है, ठीक है, देखो अगर क्या रिजल्ट होगा, तो ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी आपने बनाया, तो ये जो पानी है ये एकदम लाइट पिंक जैसा बनेगा, ठीक है, ये पानी कैसा बनेगा, लाइट पिंक जैसा, ठीक है। तो अगर अगर एसिड सॉल्यूशन होगा तो वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट पिंक इसमें हो जाएगा, डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा कलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। देखो ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि लिटमस में कौन सा कलर किसमें कन्वर्ट होता है, इसके बाद टर्मरिक में कौन सा कलर किसमें कन्वर्ट होता है और चाइना रोज में कौन सा कलर किसमें कन्वर्ट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन एसिडिक, जब लाइट पिंक डार्क पिंक में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। सो अगर और ग्रीन कब होगा, जब सॉल्यूशन बेसिक कब होगा, सॉल्यूशन इज बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक कब होगा, जब लाइट पिंक ग्रीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लाइट पिंक ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो हम क्या, ग्रीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, लाइट पिंक कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या है, बेसिक, ठीक है। ये चाइना रोज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो तीनों इंडिकेटर्स का अलग अलग इफेक्ट है और अगर सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ना वो एसिड होगा ना बेस होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐसा इसको भी चेक कर सकते हो कि भाई वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो अब 5.4 भी एक टेबल दी हुई है, सो उसमें भी आपको बारी बारी से सब पे टेस्ट करना है, ठीक है, सब पे टेस्ट करनी है कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो पेज नंबर और टेबल 5.4 पे भी आपको टेबल लिखी हुई है, ठीक है। सो टेबल 5.4 अब ये किसके लिए है, ये चाइना रोज की टेस्ट के लिए है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे भी सीनियर नंबर है, ये टर्मरिक का था, ठीक है, यहाँ चाइना रोज को यूज करना है, टेबल 5.4। सो शैम्पू में, ठीक है, सबसे पहला शैम्पू, शैम्पू में पहला इनिशियल कलर, तो शैम्पू का शुरू का कलर कुछ भी रहा हो फाइनल कलर क्या हो जाएगा, जब आप वो लाइट पिंक सॉल्यूशन उसमें डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। शुरू का कलर कुछ भी हो सकता है, फिर ग्रीन, क्योंकि शैम्पू तो कोई भी कलर का हो सकता है ना, ठीक है, इनिशियल कलर, सो फिर ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद लेमन जूस,
लेमन जूस का कलर कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस, और फिर वो शैम्पू समझो वाइट हो, ठीक है, तो उसमें आप तो लेमन जूस क्या हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये बेसिक हुआ, ये हुआ एसिडिक, ठीक है। इसके बाद है सोडा वाटर, ठीक है, सो सोडा वाटर, ठीक है, तो सोडा वाटर का कलर भी कलरलेस होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर भी क्या है, सोडा वाटर कलरलेस होता है, पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डार्क पिंक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी एसिडिक, ठीक है, सोडा वाटर भी एसिडिक है, ठीक है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर एसिडिक होता है सोडा वाटर पर, हम तो उसको एसिडिटी के लिए तो पीते हैं, वो पेट में जाके फिर बेस हो जाता है, पर होता है एक्चुअली वो एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन ये इन्होंने आपको डराने के लिए नाम लिखा है, एक्चुअली इसका मतलब बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है, वो खाने वाला सोडा। सो वो तो मैं कब से बोल ही रही हूँ, क्या होता है वो, बेसिक होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन एक्चुअली ये केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नॉर्मली आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, पर केमिस्ट्री लैब में केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। सो फोर्थ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये क्या है, ये इसका कलर भी व्हाइट होता है मेरे ख्याल से, सो व्हाइट से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाइट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन होगा बेसिक, ठीक है। फिफ्थ विनेगर, ठीक है, विनेगर, विनेगर भी कलरलेस होता है, सिरका, ठीक है, आप वो डालते हो उसमें, चीजों में डालते हो, ठीक है, लंबी समय तक चीजें कलरलेस होता है, ठीक है। सो विनेगर कलरलेस होता है, ये ग्रीन, ये डार्क पिंक, डार्क पिंक, सो कलरलेस है, सो कलरलेस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये डार्क पिंक में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एसिडिक हुआ, ठीक है। फिर सिक्स्थ है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में कोई चेंज ही नहीं होगा, व्हाइट कलर है, कुछ नहीं बदलेगा, जब नो चेंज हो तो शुगर सॉल्यूशन भी कलरलेस ही होता है, वैसे व्हाइट नहीं होता है, कलरलेस, पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कलरलेस, नो चेंज, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा न्यूट्रल, जब कोई चेंज नहीं तो न्यूट्रल। लास्ट है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक वाला पानी, सो वो भी कलरलेस होता है, सो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये भी हुआ कलरलेस, ठीक है, सो इसमें भी क्या होगा, नो चेंज, ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ, ठीक है। सो आप ये टेबल कहाँ कंप्लीट करोगे, आप ये टेबल पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 ये है टेबल 5.4, ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 53 पे टेबल 5.4 है, ठीक है। सो आप ये टेबल वहां कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो ऐसे ही आप बाकी चीजें केमिस्ट्री लैब में से, ये तो नेचुरल हुआ, केमिस्ट्री लैब में से भी चीजें ला ला के आप चेकिंग कर सकते हो, केमिस्ट्री लैब में मतलब आपको टीचरों की हाजिरी में करना पड़े, केमिस्ट्री की लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे आप चेक कर सकते हो कि वो एसिड है कि बेस। सो हम इनके बारे में, ठीक है, हमने आज नेचुरल, जो नेचुरल एसिड्स और नेचुरल बेस है वो हमने पढ़े, तो जो आर्टिफिशियल एसिड बेस है जो हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको एंड करा रही हूँ पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 एक्टिविटी 5.4 के ऊपर तक, ठीक है।
पेज नंबर 53 एक्टिविटी 5.4 के ऊपर तक मैं आपको एंड करा रही हूँ। एक्टिविटी 5.4 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज आपको कितने पेजेस पढ़ने हैं? आज आपको 251, 52 और 53 एक्टिविटी 5.4 से ऊपर तक पढ़ना है, ठीक है? सो ये ढाई पेजेस आपको पढ़ने हैं, रीड करना, और जो मैंने लिखवाया है ये टेक्स्ट बुक में ही लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? ये सब टेक्स्ट बुक में ही लिखना है आपको, ये नोटबुक में लिखना है, ठीक है? जो नोटबुक में लिखने का काम है वो नोटबुक में करना, और जो टेक्स्ट बुक का है वो टेक्स्ट बुक में करना, ठीक है? चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, रीड इट प्रॉपरली, सी द वीडियो लेक्चर एटलीस्ट 2-3 times, 2-3 बारी देखें तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो आई एम हेयर बाय एंडिंग माई लेक्चर टूडे, जस्ट डू द एंटायर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।